मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आजकल आपको सुना रहे हैं किशन चंद तिवारी की यादों के सहारे जो कथानक मिले हैं, और आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ी नैनीताल। हनुमानगढ़ी हो सकता है कि आपने वहां दर्शन किए हों, और नहीं तो मैंने लाइव दिखाया था वो देखा होगा, और नहीं तो जब मौका मिले तो दर्शन करिएगा। तो मैं वहां के भंडारे की एक कथा आपको सुना रहा हूं। मैंने एक अंक में बताया था आपको कि पत्तलें खत्म हो गई थी, यानी पत्तलें ली ही नहीं गई थी, सारी तैयारी थी। तो किस तरह से गधों पर लाद के कुछ लोग पत्तलें बेचने जा रहे थे, उधर से गुजर रहे थे। गुजरना तो एक माध्यम था, ये लीला थी, और पत्तलों की आपूर्ति हो जाती है। उसी समय हरदास बाबा आते हैं थोड़ी देर में और कहते हैं कि भंडारे में घी खत्म हो गया महाराज जी। ये कहते हैं जब महाराज जी, तो महाराज जी कहते हैं मैं क्या करूं, और सब विश्राम में चले जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। और मंदिर के प्रांगण के आंगन में किशन चंद तिवारी और महाराज जी बैठे होते हैं। तो फिर क्या होता है वही आज मैं बताने वाला हूं। महाराज जी कहते हैं कि किशन जा दो पीपे पानी ला, और किसी से कहना नहीं, और तूने जो कहा तो मैं निकाल दूंगा। एक आदेश भी देते हैं और साथ में वार्निंग भी। किशन चंद तिवारी दो पीपे पानी भर के लाते हैं, और आप जब देखेंगे तो जब मंदिर के ऊपर जाएंगे, मंदिर में जब जाएंगे तो चढ़ाई है वहां पर, तो जहां पर जो चढ़ाई है उसी तरफ वो पानी भर के रख देते हैं वहां पर। किशन चंद से भी कहा जाता है कि जाओ सो जाके, अब तुम पानी भर रखे सो जाके। सब लोग सो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में, जानते हो साधु संत उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में सब उठते हैं। जैसे ही चहल पहल शुरू होती है मंदिर में, तो हरदास बाबा महाराज जी के पास भाग के आते हैं। महाराज जी, महाराज जी, क्या है? वो दो पीपा घी के मिले, वो मंदिर के बाहर जो है कैसे छूट गए थे, वो वहां पे मिले हुए, आपको परेशानी की बात नहीं है। बहुत लापरवाह हो, पता नहीं तुम कहां क्या करते हो, है? ऐसे काम किया जाता है, भंडारा ऐसे किया जाता है, लापरवाह लोग काम करते हैं। और महाराज जी तंग तंग आ जाते हैं, घी ऐसे पड़ा है, रात में भाग के चले आए, घी खत्म हो गया। महाराज जी को इस तरह से देखते हुए हरदास कहते, महाराज गलती होगी, कोई बात नहीं साहब, और वो मिल गया है और काम चालू हो गया। महाराज जी कहते जाओ। हरदास बाबा अपना वो दो तीन घी उठाते हैं और घी डालने लगते हैं, और वहां पूड़िया का काम तलने का शुरू हो जाता है। मित्रों, ये किशन चंद तिवारी को पता था कि वो घी कहां से आया था। किशन चंद तिवारी पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अगर तुम बोले तो भगा दिए जाओगे। महाराज जी बहुत चमत्कार करते थे। हरप्रसाद शाह जी, हुब्बा बाबू, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, मैं एक नाम को क्या बताऊं। समय के हुब्बा जी हैं, सुधीर मुखर्जी, उनके साथ तुलाराम जी, सिद्धि माँ, जीवंती माँ, ऐसे एक महाराज जी के जो अनन्य भक्त रहे हैं उन सबको पता था, लेकिन उनका महिमा मंडन, उनके द्वारा किए गए चमत्कार या किसी की सहायता उनको उनके सामने उन्हें पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से, आप जानते हो जब आदमी को पता चलता है कि ये ऐसा काम हो गया है तो फिर वहां पर हमारे यहाँ एक भीड़ का चलन है, वो लगे। धार्मिक क्रियाओं के द्वारा जो लोग जुड़ते थे तो वही बातचीत चल रही है, तो किशन चंद जी को पता है, उन्हें बताना नहीं है। इधर पत्तलें आ चुकी थी, भंडारा प्रसाद तैयार हो चुका था,
और पूड़ियां तली जा रही थी। तो अब प्रातः बेला में पूड़ियां बटनी शुरू हो गई, प्रसाद चालू हो गया और बड़ी संख्या में वहां बालक भोजन करने आए। और लोग भी आ रहे हैं लेकिन बालकों की संख्या बहुत होती है। आप जानते हो गांव में भी अगर भंडारा हो तो बालक चार चार बार आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उन्हें उसमें आनंद आता है। लेकिन जो हनुमान गढ़ी में हनुमान जी, आप बहुत देखेंगे, बहुत मनमोहक मूर्ति है, मूर्ति बनने की भी हमने आपको कथा सुनाई है। और उस प्रांगण में जो भंडारा चल रहा है उसमें बालक भोजन कर रहे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में बालक आए हैं। जब महाराज जी से ये कहा गया कि आज के भंडारे में बालक बहुत आए हैं, तो महाराज जी ने क्या कहा बताऊंगा अगले अंक में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।